रोहतास नाम का है, जल्लांगर का रहने वाले हैं, उनका नाम है रोहतास। और एक उसके साथ जो है वो कैलाश है। इन्होंने कल भी आए केमरी में और आने के बाद इन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर तू हमें पैसे नहीं देगा और जो तूने मतलब जो है रिपोर्ट मेरे नाम की डाली है और हम तेरे नाम की मतलब ये बार बार मेरे नाम की डाल रहा है, मुझे डरा रहा है और ये कह रहा है तो ये जान से मार दूंगा अगर तूने अपनी रिपोर्ट को वापस नहीं दिया तो। और तुझे किसी झूठे मुकदमे में ऐसा फंसूंगा जो कभी ज़िंदगी में तू मतलब जो है पछताएगा हर बार अगर मेरा कहना नहीं माना। और तू अपना मतलब जो तूने वहाँ उस पर क्या बोलते हैं चैनल पर चलवाया और जो तूने मतलब अपना साथ रिपोर्ट डाली उसे वापस ले और तेरा काम भी बंद करा दूंगा। मैं गरीब आदमी हूँ साहब, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे साथ अन्याय हो। हर बार में मुझसे आके पैसे मांगता है और ये कहता है पहले 10,000 रुपये महीना लेता था बदमाशी पर और कहता था मेरी सरकार चल रही है अगर तुम नहीं दोगे तुम्हारे कबाड़े की दुकान ख़त्म करा दूंगा तुम्हें बंद करा दूंगा। तो मैं इसको कई महीने से लगातार पैसे दे रहा था और 1,000-2,000 रुपये दावत को भी लेता था मुझसे। हाँ, एक कैलाश नाम का लड़का है और एक ये रोहतास जल्लांगर का रहने वाला है। और अब मैंने जब से इसके खिलाफ रिपोर्ट दी है जब से बराबर मुझे धमकी दे रहा है। मेरी दुकान पे भी कल आया और आने के बाद इसने धमकी दी और 3 बार मेरी दुकान पे पुलिस भेजी। अच्छा। और बार बार ये कहता है देखो इनकी दुकान में कोई चोरी डकैती का माल तो नहीं है। पुलिस आई, उन्होंने देखा और उनको कुछ नहीं मिला, वो वापिस चले गए। बार बार जी रोहिताज जी, आप पे एक व्यक्ति ने रंगधारी का आरोप लगाया, क्या मामला है? देखिए भाई साहब, पूरा समाज जानता है, पूरा मेरा क्षेत्र जानता है, हर पार्टी का नेता जानता है और पुलिस भी जानती है कि भूरा क्या है। उसका नाम हिट लिस्ट में है, गुंडा एक्ट उस पर रह चुका है, गैंगस्टर एक्ट उस पर रह चुका है, हिस्ट्री शीट है उस पर। 6 मुकदमे हैं थाना केमरी के अंदर और एक बार नहीं कई बार 6 बार वो चोरी की गाड़ियां, इनका पूरा एक गिरोह है, गाड़ी चुरवाते हैं और गाड़ी चुरवा के कटवा के इधर उधर कर देते हैं। ये पूरा एरिया जानता है, कई बार ही जेल गए हैं। ये मैं जिला पंचायत वार्ड नंबर 33 से प्रत्याशी रहा हूँ, वहाँ के लोग मेरे पास समस्या समाधान के लिए आते हैं। तो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं एक पिछला मोर्चा के राकेश जी, उन्होंने मुझे बताया मैं बाई चांस कैमरी में था। तो मैं मेरा मंडल अध्यक्ष सौरभ विध्वंसी और मेरे 4-5 लोग थे, हम लोग थाने गए, हमने दरोगा जी को बताया, इनकी तहरीर दी। तो दरोगा जी ने उन्हें फ़ोन करके जागेश गिरी जी ने भूरा कबाड़ी को बुलाया। तो भूरा कबाड़ी आते ही बोला भाई मैं इसे नहीं जानता हूँ कौन व्यक्ति है। तो उसके यहाँ जो गाड़ी काटने वाटने काम करता है एक रामकरण है, वो भी उसके साथ जेल गया, मेरे गाँव का लड़का है। तो मैंने भाई बताओ, तो भूरा बोला मैं इसके यहाँ से गाड़ियाँ लाता था, कई बार लाया हूँ। कैलाश कहते हाँ। तो मैंने कहा भाई भूरा जी आप तो कह रहे मैं इसे जानता नहीं, आपका ही नौकर कह रहा है कि मैं इसके यहाँ से गाड़ी लाया हूँ, कई बार लाया हूँ। दुर्गा जी बोले भाई ये बात ठीक नहीं है अगर इस। तो मैंने कहा सुनो भूरा, ये मेरा कार्यकर्ता है, अगर आपके ऊपर 1,30,000 निकल रहे हैं, 10 निकल रहे हैं, 20 निकल रहे हैं, जो भी आप बैठ के इस मामले को निपटाओ और इसके जो जायज़ पैसे हैं वो आप दीजिए, ये चीज़ ठीक नहीं चलेगा। तो मुझसे बोला तू साले कहाँ का नेता, तू ज़्यादा बनता है। तो मैंने कहा ज़्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, गलत काम करते हो पूरा एरिया जानता है, किसी के साथ करिए, मेरे कार्यकर्ता के साथ गलत नहीं करेंगे आप, पैसा है तो पैसा दीजिए। तो बोला तुझसे निपटूंगा मैं। मैंने तू क्या निपटेगा, जो निपटना है निपट लिया, गलत काम करता है पैसे नहीं दे रहा है। इस बात को क्या कहे एसओ साहब मिले हमारे जगपाल ग्वाल जी, वो बोले लिखित में है ये, बोला कैलाश हाँ लिखित में है।